गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने साबूदाने को एक बार अच्छे से पानी से धोकर थोड़ा सा पानी डाला है। जितना बर्तन में आपको साबूदाना दिखता है सिर्फ उतना ही पानी डालना है, वरना वो बहुत गीला चिपचिपा हो जाएगा। उसके बाद आप रिफाइंड ऑयल ले लें, उसमें ज़ीरा और हरी मिर्च डाल दें, ज़ीरा अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। फिर आलू डालकर नमक और थोड़ी सी चीनी, ऑप्शनल है, मुझे पसंद है तो मैं डाल देती हूँ, उसको डाल के अच्छे से आप उसको गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। जब आलू पक जाएंगे तो आप साबूदाना डाल दीजिए और उसको अच्छे से चला लीजिए। फिर थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली का पाउडर इसमें आप ऐड करिए, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। नमक मैंने दो पार्ट्स में डाला था, पहले थोड़ा सा आलू में, फिर बाद में साबूदाना में। उसके बाद इसको अच्छे से आप चला लेंगे, ये काफ़ी बिखरी बिखरी खिचड़ी आपकी बन जाएगी। मुझे मीठी दही पसंद है तो मैंने उसमें शक्कर डाला है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है तो उनके लिए अलग से प्लेन दही लेके हम लोग चले खाने। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कभी साबूदाना खिचड़ी बनाई है या नहीं, नहीं तो प्लीज़ ट्राई।